हाय गाइस, माय नेम इज साद फारूक एंड माय नेम इज सभी सुहेल। सो आज एक ट्रेलर आया है और इसमें है प्रिंस चोपड़ा, हरदीप संधु, रब्बू दस गुप्ता और ये है कोड नेम तिरंगा जो है 14 अक्टूबर को आ रहा है सिनेमा में और ये हमने लिया टी सीरीज से। टी सीरीज के चैनल से जिसकी ओरिजिनल लिंक एज यूजुअल हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द ओरिजिनल वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर अगली वीडियो मत चलाइएगा। लेट्स कंटिन्यू। एंटी पाकिस्तान मूवी वी शूड कंसीडर ऑन द एक्टिंग ऑफ प्रिंस चोपड़ा, हर स्टंट्स एंड द लोकेशंस आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड द केमिस्ट्री बिटवीन द मेल व्हिच इज हार्दी वाज सो प्योर, है ना? बिल्कुल। और मैं अगर बात करूँ जस्ट फिल्म की कंटेंट टाइप की, तो मुझे लगा काफ़ी टाइम से जो हम जो रिएक्शंस दे रहे हैं, लाइक ये ट्रेलर काफ़ी ट्रेलर से हट के था। लाइक इसमें एक्शन भी था, लव भी था, मगर जो बेस्ट पार्ट मुझे मूवी का लगा वो लव पोर्शन था उनका। उस वक्त जो वाइब्स मुझे आ रही थी इस फिल्म से, लाइक उस पार्ट ने जो इनका लव पार्ट आया, उससे पहले तक मैं इतना कनेक्टेड नहीं था ट्रेलर से, लेकिन उस पार्ट के बाद मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुका था इस ट्रेलर से। लाइक वो कैप्टिवेटिंग पार्ट था, वो स्माइल, लाइक वो उनकी केमिस्ट्री जो शो करना चाह रहे थे ट्रेलर में, इट वॉज लाइक आउटस्टैंडिंग। मैं कहना चाहूँगा कि मतलब इस तरह टाइगर्स फ्रेंचाइज बनती है, इस तरह इतनी ज़बरदस्त में एक्शन सीक्वेंस और उसके अलावा दिखाया गया कि एक स्पाई की जो एक ज़िंदगी होती है उसमें वो मोहब्बत भी करता है, बिट्रे भी करता है अपने कंट्री के लिए, मतलब वो एक रंग से दूसरे रंग अपना चेंज कर लेता है, अपना पूरा गेटअप चेंज कर लेता है, अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है सिर्फ अपनी कंट्री के लिए, और जिस भी कंट्री का स्पाई होता है वो अपनी कंट्री के लिए अपनी जान दे देता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक आम बंदा जितना भी पेट्रियट हो एट द एंड वो नहीं कर पाता, एट द एंड वो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक स्पाई, एक सच्चा जो सोल्जर होता है, जो एक जासूस होता है अपनी कंट्री का, वो अपनी जान दे देता है। और मतलब इस फिल्म में मैंने देखा कि हर पहाड़ भी कवर किए उन्होंने, तुर्की भी कवर किया, कश्मीर भी कवर किया, मतलब अपने पाकिस्तान के एरिया जिन्होंने मतलब बनाए होंगे, और मतलब इस तरह मतलब कहने के 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, तो उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन है। आई होप इसमें आई होप की स्टोरी कितनी ट्रुथ पे बेस्ड है, कितनी ये फिक्शनल है, तो हम जब स्टोरी का मैं पूरा पढ़ूंगा गूगल पे तो पता चलेगा। बट प्रिंस चोपड़ा मतलब सरप्राइज एलिमेंट, मुझे नहीं पता लगता था कि वो इतनी अच्छी कर सकती हैं। आई थिंक शी वो रोमांटिक गर्ल हैं, वो रोमांस कर सकती हैं, बट वो एक्शन अच्छा नहीं कर सकती। बट शी हैज प्रूव्ड टू बी अ सुपर डुपर ग्रेट वॉरियर, सो इट्स अ थम्स अप फॉर प्रिंस चोपड़ा। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज वी आर आउट ऑफ टाइम, वी आर वेरी बैक अहेड ऑफ अवर टारगेट, सो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, अल्लाह हाफिज़।